और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन दिनों प्रदेश में औद्योगिक विकास को लेकर कड़ी मेहनत कर रहे हैं और इसी सिलसिले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव 7 और 8 अगस्त को 2 दिन के बेंगलुरु दौरे पर जा रहे हैं। 8 अगस्त को इंटरैक्टिव सेशन का आयोजन किया जाएगा बेंगलुरु दौरे पर। इस दौरान सीएम का MI पर फोकस रहेगा और मध्य प्रदेश में छोटा भीम जैसे कार्टून बनाने के लिए एनिमेशन VFX का जो इस्तेमाल हो रहा है इसके लिए सेक्टर को अब सरकार प्रमोट करेगी सेक्टर को, और साथ ही मध्य प्रदेश में डाटा सेंटर लाने की भी तैयारी हो रही है। और इंटरेक्टिव सेशन में सीएम उद्योगपतियों को राज्य में निवेश के लिए प्रोत्साहित करेंगे और मालूम हो कि मैनुअल ऑप्शन के लिए मध्य प्रदेश को नेशनल लेवल पर पहला पुरस्कार मिला है। और 5 अगस्त का दिन मोदी सरकार के लिए बेहद खास है। दरअसल 5 अगस्त ये दिन है इसलिए भी खास क्योंकि 5 अगस्त को ही BJP सरकार द्वारा लिया गया निर्णय जिसे असंभव कहा जा रहा था उसे संभव किया गया। 5 अगस्त को 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया और साथ ही 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ और 5 अगस्त को BJP सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन कर इस पर एक बड़ा फैसला लेने जा रही है और लगभग तय हो चुके हैं कि क्या किया जाना है। जो 40 संशोधन है उस पर विचार विमर्श हो ही चुका है, अब मात्र इस पर इसे अमली जामा पहनाना है और देखना होगा कि ये निर्णय कितने समय में अमल में लाया जाता है और इस पूरे मामले पर रहेगी नजर। और अयोध्या में हुई शर्मनाक गैंगरेप की घटना में सियासी बखेड़ा भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन में है तो समाजवादी पार्टी को कांग्रेस का साथ मिल गया। समाजवादी पार्टी पर गैंगरेप के आरोपी मोईद के बचाव में गंभीर आरोप लगे और जिस तरह से अखिलेश यादव ने DNA टेस्ट की मांग की, शिवपाल यादव ने नार्को टेस्ट की बात कही, उससे तो यही लगता है कि समाजवादी पार्टी मोहित खान पर कोई एक्शन नहीं लेने देना चाहती। अयोध्या में हुई शर्मनाक गैंगरेप मामले में सियासी बखेड़ा भी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। योगी सरकार पूरे एक्शन में है तो समाजवादी पार्टी को कांग्रेस का साथ मिल गया है। समाजवादी पार्टी पर गैंगरेप के आरोपी मोईद के बचाव के गंभीर आरोप लगे हैं और जिस तरह से अखिलेश यादव ने DNA टेस्ट की मांग की, शिवपाल यादव ने नार्को टेस्ट की बात की, तो उससे तो यही लगता है कि समाजवादी पार्टी मोईद खान पर कोई एक्शन नहीं लेने वाली। इसी बीच कांग्रेस पार्टी की DNA टेस्ट मांग से मुद्दा गर्मा गया। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि उत्तर प्रदेश केंद्र और विपक्ष के बीच राजनीतिक हथियार बन गया है। शुद्ध आपराधिक मामला है, जिस किसी ने अपराध किया है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भारत के नियम के अनुसार होनी चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें कार्रवाई की जाएगी। एक बात जरूर मैं खास तौर से कहना चाहता हूं, कुछ विषय को सियासत से अलग रखना चाहिए। कोशिश सरकार ने शुरू कर दी, सियासत करने लगी और फिर वो बढ़ते बढ़ते और जगह चली जा रही। ये राजनीति का विषय नहीं, शुद्ध आपराधिक विषय। सर, अखिलेश यादव ने DNA टेस्ट की मांग की है। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं, अनुभवशील हैं, अब उन्होंने जो भी कहा होगा सोच समझ कर कहा होगा, उनके पास कोई स्रोत होगा तो वो, उन्होंने DNA टेस्ट की अगर बात की है, कानून अगर हो सकता है, नार्को टेस्ट हो सकता है तो होना चाहिए। पार्टी और कांग्रेस के बारे में मैं इतना कहूंगा कि ये कहते कुछ है करते कुछ है, इनके अंदर मानवता नाम की चीज नहीं है। समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी है जिसने दरिंदगी की है, आज तक भी समाजवादी पार्टी इस विषय पे कुछ नहीं बोली, ये शर्म की बात है। DNA टेस्ट, नार्को टेस्ट की राजनीति पर यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने बड़ा हमला किया और कहा कि समाजवादी पार्टी के DNA में गुंडागर्दी है और ये पार्टी बलात्कारियों को संरक्षण देती आई है, लेकिन योगी सरकार में दोषियों को ऐसी सजा मिलेगी कि 7 पुश्तें भी याद रखेंगी। आशीर्वाद से जो गुंडे पन पे है, जो असामाजिक तत्व पन पे है, पूरे प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद जिस ढंग से इन लोगों ने कहर बरपाने का काम भोली भाली जनता पर कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, चाहे बलिया हो चाहे अयोध्या हो।
घटनाओं ने ये मन झकझोर करके रख दिया है। जितनी निंदा की जाए कम है, और समाजवादी पार्टी जब जब पावर में रही है तब तब इन लोगों ने अराजकता की है, गुंडाई की है, भोले भाले लोगों का हत्या किया है, और पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। हर स्थिति में हम न्याय दिलाएंगे। अयोध्या गैंगरेप मामले में बीजेपी के डेलीगेशन ने भी अपनी रिपोर्ट बीजेपी आलाकमान को सौंप दी है। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल के साथ पहुंचे राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद ने अयोध्या पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और सीएम योगी से सहायता राशि बढ़ाने की अपील की। पीड़िता बहुत सहमी हुई है, बहुत डरी हुई है, और निश्चित तौर पर एक मत्स्य कन्या का शील हरण हुआ है, और इस मत्स्य कन्या के शील हरण को बर्दाश्त नहीं करेगी पार्टी। ये पार्टी ने उनको आश्वस्त किया है, हमें उस बालिका के भविष्य की चिंता है और अखिलेश यादव को अपने वोट की चिंता है, इसलिए दोनों में फर्क है। हम उस पहले बालिका की चिंता कर रहे हैं, बालिका के परिवार की चिंता कर रहे हैं। रिपोर्ट तैयार करके केंद्र सरकार को देंगे और केंद्र सरकार उस पर प्रश्न उठाएगी, केंद्र सरकार इनका इलाज करेगी, इनको बख्शा नहीं जाएगा। वहीं अयोध्या गैंगरेप मामले में आरोपी के अवैध निर्माण पर चल रहे बुलडोजर को देखकर समाजवादी पार्टी के नेता परेशान हैं। मासूम से गैंगरेप पर उन्हें उतना दर्द नहीं हुआ जितना दर्द उन्हें आरोपी के अवैध निर्माण को मिट्टी में मिलता हुआ देखकर हो रहा है। समाजवादी पार्टी के मुताबिक बुलडोजर अराजकता की निशानी है। ये जो बुलडोजर संस्कृति है, ये अराजकता और गुंडाई का प्रतीक है। हमने पहले भी इसका विरोध किया था और आज भी इसका विरोध कर रहे हैं। कल हमने प्रेस वार्ता की थी और हमने उसमें इस बात को कहा था कि बेटी के साथ जो घटना भदरसा में घटी है वो बहुत ही दुखद है, उसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए। नजीर बन जाए, ऐसी सजा दी जानी चाहिए न्यायालय के द्वारा कि नजीर बन जाए। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। अंसारी ने कहा कि अयोध्या में उपचुनाव से पहले इस मुद्दे को एजेंडा बनाया जा रहा है। इसके साथ ही अफजाल अंसारी ने अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद का बचाव भी किया। अयोध्या के घटना को इतना हाईलाइट क्यों? अयोध्या में विधानसभा का बाई इलेक्शन होना है, उसका फायदा उठाना। समाजवादी पार्टी का नाम एक वहां के स्थानीय किसी व्यक्ति को तथाकथित समाजवादी पार्टी का नेता बता देना और वहां के सम्मानित सांसद माननीय अवधेश प्रसाद जी के साथ कि उनका आदमी है जोड़ देना, ये आम आदमी को बात समझ में आ रही है कि अगर इतने बड़े जघन्य अपराध के बाद कौन उसकी वकालत करता है? कोई भी हो, उसने आपके साथ फोटो खिंचा ली हो या मेरे साथ फोटो खिंचा ली हो, अगर इस तरह का अपराध करता है तो कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। अयोध्या गैंगरेप केस को लेकर एक्शन लिया गया। जांच के बाद भदरसा पुलिस चौकी पर तैनात सिपाही रोहित यादव को सस्पेंड कर दिया गया। एसएसपी के आदेश पर यह बड़ा एक्शन लिया गया और इस केस को लेकर एसएचओ और पुलिस चौकी इंचार्ज पहले ही सस्पेंड हो चुके हैं। और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए बहुत जल्द लौटते हैं।